उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा बिजली और पानी फ्री दिए जाने के ट्वीट के बाद सियासत शुरू हो गई। वहीं हरीश रावत के इस बात का समर्थन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि ये हरीश रावत की राय हो सकती है, लेकिन पार्टी की ये राय नहीं है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत का कहना है कि जिस राज्य में बिजली और पानी के पैसे लेने के बावजूद भी सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ फ्री करके क्या हालात होंगे, ये समझा जा सकता है। वहीं हरीश रावत को शिकूफा छोड़ने की आदत है, इसलिए वे छोड़ते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई परिस्थितियां राज्य की नहीं है। गौरतलब है कि हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार आने पर पूर्व में भी बिजली और पानी फ्री दिए जाने की बात दोहराए थे। उन्होंने कहा ऐसा आपका पार्टी के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर वो ये प्रस्ताव रहे, देखिए ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम हाईएस्ट लेवल में वित्त वालों से, योजना तैयार करने वालों से बात करते हैं कि यदि हम ये फ्री करेंगे तो सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, तो इस पर बारीकी से बात होती है। हरीश रावत जी ने इससे पहले भी कहा था, तो उनके पास कोई योजना होगी, उस पर हम लोगों की अभी बात नहीं हुई। पिछले कांग्रेस ने जो कहे वो करे क्या, ये एक सुपुगा छोड़ने की बात है। यहाँ बिजली और पानी का पैसा लेकर भी प्रदेश चलाना मुश्किल हो रहा है और वो कह रहे हैं ऐसा, कहाँ से करेंगे? प्रदेश की आमदनी है क्या इतनी? ये दिल्ली है क्या, यहाँ GST मिल जाएगी? तो यहाँ तो बहुत मुश्किल से सरकार चलाने का काम है, आर्थिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं, तो वो कहें हमें क्या दिक्कत है सर।